हेलो माय वाइटी फैमिली, वेलकम बैक टू शोनास किचन। फ्रेंड्स, आज शोनास किचन में बंक डे है, चीट डे है। आज हम बनाएंगे चीट डे में चाट स्पेशल दही पूरी। यहाँ पे चेन्नई में तो हम दही पूरी बोलते हैं, अगर आप चाहो तो दही पापड़ी कुछ भी बोल सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है दही पूरी का पैकेट। ये है खजूर एंड इमली की चटनी, ये ग्रीन चटनी, ये कर्ड ली है, कर्ड में मैंने शुगर मिक्स कर ली है, सेव है, बारीक कट की हुई अनियन है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बेबी पोटैटोज जो आते हैं उसे हार्ड बॉईल कर लिया है सॉल्ट डाल के, और उसके स्लाइस करके रेडी रखे हैं। कोरिएंडर लीव्स है, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला। इसमें दही हमारी मेन है, दही को स्वीट कर लेना है, खट्टी दही नहीं यूज़ करना है हमें। अब सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही के ऊपर हमें ऐड करना है ग्रीन चटनी, थोड़ी सी ये भी ऐड करेंगे हम, इसे लाइट से मिक्स कर लेंगे। ये चाट बहुत ही टेस्टी, क्विक एंड ईजी है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। ये सब मिक्स हो गए, अब हम इस पर पूरी अरेंज करेंगे। इस तरीके से हम पूरी अरेंज कर देंगे इसमें। अगर आपके पास ये पूरी अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल हमारी पानी पूरी वाली आती है उससे भी आप बनाना, बट ये मेन है, इससे ही टेस्ट अच्छा आता है। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे स्लाइस ऑफ पोटैटोज, हार्ड बॉइल्ड पोटैटोज लेना है। इसमें मैंने नमक ऐड करके बॉईल किया था। हेल्दी डिशेस तो हम रोज़ खाते हैं, कभी कभी चीट डे भी बनता है। इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी रेड एंड ग्रीन चटनी। चटनी थोड़ी स्पाइसी ही ली हमने क्योंकि दही मीठी है, इमली की चटनी थोड़ी खट्टी है और ये वाली तीखी है, तो टैंगी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। चटनी के स्टेप्स आप ऊपर नीचे अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कर्ड। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर। रेड चिली पाउडर। चाट मसाला पाउडर। फाइनली चॉप्ड अनियन। करूंगी सेव। पहले कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं इसमें। ये स्टेप्स आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो।
देखिए हमारी क्विक एंड इजी दही पूरी रेडी है। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारी दही पूरी का ऐसे आप एक एक पीस निकाल के सर्व कर सकते हो। सो आप इस डिश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।